हेलो भाई, सभी को नमस्कार। तो कार ड्राइविंग वीडियो तो आपने मेरी बहुत सारी देखी होंगी, लेफ्ट राइट जजमेंट और कार को कैसे ड्राइव करें, ये सारी वीडियो आपने जरूर देखी होगी। बट बहुत से लोग को उस पर कमेंट आ रहा था कि आप अपहिल पे गाड़ी कैसे चढ़ाएं, मतलब उनको ऐसे प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी अगर चढ़ाने वाले इलाके में ऐसे पहाड़ वाले एरिया में ऐसे, इसलिए आज हम लोग भी इधर ऐसे पहाड़ वाले इलाके में एकदम मस्त आएँ, गाड़ी को एकदम आपको चढ़ा के दिखाएँ कैसे प्रॉपरली चढ़ाया जाता है। तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी कि मतलब गाड़ी उनकी चढ़ नहीं रही थी, मतलब ऐसे पीछे ढल जाती है, तो एक नर्वसनेस टाइप का अंदर से हो जाता है। तो इसीलिए आज हम ऐसे पहाड़ वाले इलाके में हैं और आपको बताएंगे कि प्रॉपर तरीके से आप गाड़ी को अपहिल पे कैसे चढ़ाओगे, मतलब गाड़ी ऐसे बैक भी नहीं आएगी और आप एकदम प्रॉपरली उसे चढ़ा भी पाओगे। तो आइए इस वीडियो में सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं, विस्तार से सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। तो अभी आप रोड देखें तो समझ ही गए ये कितने ज़्यादा स्लोप है, मतलब हाई स्लोप है, कुछ इस तरह का है मेरे हाथ की पोजीशन आप समझो। तो ये वीडियो सबके लिए, मतलब अगर ज़्यादा है या फिर थोड़ा कम स्लोप है या ज़्यादा है तो ये वीडियो उन सब में काम करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या गलतियाँ आप कर देते हैं स्लोप पे गाड़ी चढ़ाने के दौरान। सबसे पहले मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। तो अभी क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी को चढ़ाते हैं तो आपके अंदर एक नर्वसनेस रहती है कि जो पीछे गाड़ी है उसमें आपकी गाड़ी टच ना हो जाए, ढल के पीछे टच ना हो जाए, तो ये नर्वसनेस रहती है। तो पहले सबसे पहले ये नर्वसनेस को आपको दूर करनी है और मिरर को अच्छी तरीके से आपको दोनों को एडजस्ट करने की, पीछे वाली गाड़ी आपकी दिखे और RVM को भी आपको अच्छे से एडजस्ट करने है। तो अभी बात करते हैं गाड़ी को चढ़ानी कैसी है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अभी गाड़ी न्यूट्रल में। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे जब चढ़ाई में खड़ा करो तो गाड़ी को ज़्यादा क्लच प्रेस करके ना खड़ा करो, क्योंकि क्लच प्लेट पे असर पड़ता है और क्लच प्लेट जलने के चांसेस भी रहते हैं। तो क्लच ना दबाओ, ऐसे आप न्यूट्रल में करके ब्रेक दबा सकते हो या फिर हैंड ब्रेक एंगेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हैंड ब्रेक मेरा एंगेज है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आप यहाँ पे फंडा समझो, बारीकी समझो। ठीक है, क्लच मैंने दबाया गाड़ी का, फर्स्ट में शिफ्ट किया, हैंड ब्रेक मेरा डाउन है, अभी हैंड ब्रेक डाउन कर दो। देखो गाड़ी, जैसे ही मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया गाड़ी ढलने लगी और इतने में आप नर्वस हो जाओगे कि पीछे गाड़ी सड़ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे कितना भी एफर्ट लगा लो ऐसे करने की, आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ठीक है, ये होता ही है सबके साथ, कितने भी प्रो ड्राइवर हो गाड़ी बंद पड़ी जाती है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस कंडीशन में आपको हैंड ब्रेक लगाना है। ठीक है, और इतना एक्सेलेटर आपको दबाना, आप देखो हैंड ब्रेक इंगेज है, गाड़ी पीछे नहीं ढल रही है। ठीक है, न्यूट्रल में देखो गाड़ी एकदम अपनी जगह पे है। आपको खेल क्या खेलना है, क्लच दबाया आपने, गाड़ी फर्स्ट में डाली। ठीक है, गाड़ी आपको हमेशा फर्स्ट में ही रखनी है, आप ध्यान रखें, ये सेकंड या थर्ड में आपको ज़्यादा होशियारी नहीं करनी, गाड़ी फर्स्ट में ही रखें। ठीक है, बहुत लोग आते हैं तो सेकंड से उठाने की, नहीं यहाँ पे फर्स्ट में आप गाड़ी रखें। अब यहाँ पे आपको इतनी रेस देनी है यहाँ पे गाड़ी की कि आपको लगे कि गाड़ी अब आगे पुश हो रही है, गाड़ी आगे धक्का लगा रही है। देखो ये हो गया, अब जैसे आगे गाड़ी धक्का लगा हैंड ब्रेक डाउन किया और ये देखो गाड़ी एकदम ईजिली चढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अगर नॉर्मली ऐसे उठाऊँ गाड़ी को बिना हैंड ब्रेक इंगेज किए हुए, सिर्फ गियर ऐसे मैंने डाला और देखो जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ के क्लच दबाता हूँ गाड़ी पीछे ढलने लगती है। देख रहे हो आप, गाड़ी पीछे ढलने लग रही है। तो इसमें एक नर्वसनेस आ जाता है, इसलिए बेटर आप यही करो, हैंड ब्रेक खींचो, फर्स्ट में लगाओ, एक इतना एक्सेलेटर दो कि गाड़ी आपकी एफर्ट लगाए आगे जाने के लिए और हैंड ब्रेक लगा के देखो एकदम प्रॉपरली तरीके से गाड़ी उठ जाएगी, कोई भी आपको ज़रा सा भी इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैं गाड़ी को और ऊपर लेके आऊँ और वहाँ पे आप ज़मीन देख सकते हो, वहाँ पे वहाँ से मैं गाड़ी को ऐसा लेके आऊँ। तो आप भी ज़रा सा भी टेंशन मत लो, आप भी ऐसा करते रहोगे, आप हिल पे प्रैक्टिस वगैरह करते रहो तो आप भी एकदम ऐसा प्रो बन जाओगे। और यहाँ पे थोड़ा स्लोप और ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए आपको बहुत बेहतर ढंग से सिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ गाड़ी को। मेरा दोस्त खड़ा हुआ है तो आपको एक प्रॉपर आने का भी पता चल जाएगा गाड़ी कैसे चढ़ गई। तो आइए शुरू करते हैं, गाड़ी अभी न्यूट्रल में मेरी। ठीक है, गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी में स्टार्ट किया, गाड़ी अभी हैंड ब्रेक इंगेज है गाड़ी का। तो अभी क्या करना है, आपको क्लच प्रेस करना है, फुल एकदम क्लच प्रेस करना है, गाड़ी को फर्स्ट में लगाना है और अभी आपको एक्सेलेटर पैर रखना है, इतनी एक्सेलेटर आपको पैर रखना है कि गाड़ी आपकी मतलब लगे कि हाँ पुश कर रही है। और जैसे आपकी गाड़ी पुश कर रही है हैंड ब्रेक आप डाउन करो और देखो गाड़ी एकदम प्रॉपरली ईजी तरीके से कैसे चढ़ रही है, एकदम कोई टेंशन नहीं। मैंने क्लच से पैर भी हटा दिया, सिर्फ एक्सेलेटर आपको देना है और देखो गाड़ी एकदम ईजी तरीके से इस चढ़ाई पर चढ़ जा रही, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। आप देखो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ज़रा सा भी इशू नहीं है यहाँ पे आपको। देखिए कि मैंने जस्ट वहाँ से गाड़ी को एकदम ईजिली लेके एकदम कंफर्टेबल मैंने यहाँ पे गाड़ी तक चढ़ा दिया। और अभी आप देखोगे ना गाड़ी की पोजीशन एकदम, गाड़ी ऐसे खड़ी है कि थोड़ा सा अगर हैंड ब्रेक कभी लूज़ कर दोगे आप तो गाड़ी पूरा पीछे से ढल जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हो ऐसा कुछ इस तरह का यहाँ पे स्लोप है। तो अभी मैं बताता हूँ कि कितने आपको गाड़ी को रेस देने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर भी गाड़ी बंद हो जाएगी, बहुत कम करोगे तो फिर भी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको अभी मैं सिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी अगर ढलेगी तो कहाँ पे जाके आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत से लोग तो ऐसे देख के ही डर जाएंगे, तो शुरू सीखते हैं, जाहिर से डरना ज़रूरी भी है क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती, थोड़े नर्वस रहते हैं अंदर से, तो जाहिर सी बात है डरना ज़रूरी भी है। लेकिन जो
प्रैक्टिस करो तो आप भी एकदम ऐसा प्रो बन जाओगे, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो बहुत से लोग तो ऐसे देख के ही डर जाते हैं कि गाड़ी में अभी चढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक बार तो प्रयास करते हैं, एक दो बार ऐसा एफर्ट लगाएं गाड़ी पीछे डल जाएगी, वो डर जाते हैं। अब पीछे से जाएं गाड़ी के हॉर्न आने लगे तो एकदम नर्वस हो जाएंगे, पसीने छूटने लगते हैं। भाई क्या ही बताऊँ, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, ठीक है। तो अभी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ा के, और लेकिन कितने रेस देने हैं वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी को मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, और ठीक है अभी हैंड ब्रेक गाड़ी का इंगेज है, तो फिर से एक गियर में, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको पहले गियर में ही अप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे आप, मैंने अभी हैंड ब्रेक डिसंगेज करूँगा यहाँ पे, तो गाड़ी पीछे ढलने लगी। जैसे आप देखो, देखो कितनी तेज़ से गाड़ी ढलने लगी, ये देखो, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ, 2000 RPM ले जाओ, गाड़ी अपने आप पुश होने लगी। और यहाँ से आप देखो, फिर भी गाड़ी नहीं लोड ले रही, यहाँ पे देखो मिसिंग हो रही है। तो आपको रेस दबाना है कि इतने की, इतना रेस आपको दबाना है कि गाड़ी 2000 RPM तक रहे, 2000 तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000 से कम रहेगी तो भी दिक्कत होगा, और अगर उससे ज़्यादा रहेगी तो भी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो ये बेस्ट है, वो आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा कि आप कितना ऐसे गाड़ी को खींच रहे हो, वो आपको अंदाज़ा प्रॉपरली यहाँ पे पता लग जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे रेस पैर देना है, यानी कि एकदम सडनली ऐसे दबा दी, हल्के देना है, जहाँ लगे कि मिसिंग हो रही तो हल्के कम भी कर देना। ये चीज़ आप फॉलो करोगे, कुछ परेशानी नहीं होगी। देखो मैंने पूरा पहाड़ ख़त्म कर दी, वहाँ पे एंड हो गया है ये पहाड़, और मैंने पूरे और नीचे से लिखा है, मुझे ज़रा सा भी परेशानी नहीं हुई है। तो आपके लिए मैंने वीडियो ही बना दी, और वीडियो बनाते बनाते मैं पहाड़ के ऊपर भी चढ़ चुका, और काफ़ी मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, भाई सावन का महीना है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप ही की डिमांड के ऊपर ये वीडियो थी, इतनी मेहनत की, तो ज़रूर आपकी तरफ से एक लाइक मेरे लिए ज़रूर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, बाइक राइडिंग दौरान हेलमेट का उपयोग जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।